हाई एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई एम अपूर्वा एंड अगर आप लोग मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो वेलकम टू माई चैनल। मैं बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, स्पिरिचुअलिटी, ऑकल के बारे में। अगर आप लोग इन टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग मुझे फॉलो या सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक और मैनिफेस्टेशन स्टोरी के बारे में, एंड ये स्टोरी बहुत अमेजिंग है। एंड अगर आप भी ऐसा कुछ इनके जैसा मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो अगर आप चाहें तो जो टेक्निक्स या रिचुअल्स इन्होंने फॉलो किए हैं आप भी कर सकते हैं। एंड एक और चीज़, अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मैनिफेस्टेशन में बिगनर हैं, नए हैं, एंड आपके ट्रस्ट इशूज़ हैं, बिलीफ इशूज़ हैं, एंड यू डोंट नो कि क्या काम हो रहा है मेरा, या फिर आप बहुत डीमोटिवेट फील करते हैं अपनी मैनिफेस्टेशंस के बारे में, तो आई रियली रिकमेंड यू कि आप डेली दो से तीन मैनिफेस्टेशन स्टोरीज को, लोगों के एक्सपीरियंसिस को सुनना स्टार्ट कर दें। इट विल रियली हेल्प यू इन योर ओन मैनिफेस्टेशंस। एंड येस, मैजिक इज़ रियल, चीज़ें होती हैं, बट वेन वी वर्क विद सम एनर्जी और किसी भगवान के साथ जब हम जुड़ते हैं या फिर कुछ उनसे मांगते हैं, हमें अपने आप को सरेंडर करना होता है उनके हाथों में। ठीक है, आप कॉन्स्टेंटली पोक करते रहेंगे, इज़ इट वर्किंग, आई डोंट थिंक सो इट्स वर्किंग, देन डेफिनेटली इट्स नॉट वर्किंग। यू हैव टू गिव इट ऑल, बस सरेंडर कर दो एंड जो भी आपके एक्शंस हैं उनको आप लेते रहो। सपोज कर आप एग्ज़ाम के कुछ अच्छे रिजल्ट मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप अपनी इंटेंशन यूनिवर्स में दे दो, उस पर डेस्परेट नहीं होना है, अपनी साइड से अपना बेस्ट दो एंड एग्ज़ाम देकर आओ। बिकॉज काफ़ी से लोग हैं जो मुझे क्वेश्चंस आते हैं कि अगर हम एग्ज़ाम भी ना दें तो क्या हम पास हो जाएंगे। ऑलवेज रिमेंबर, यू हैव टू टेक एक्शंस। उस चीज़ तक पहुँचने के लिए आपको एक्शन तो लेने पड़ेंगे। अगर आप पेपर ही लिख के नहीं आ रहे हैं, एंड हाउ कैन यू एक्सपेक्ट दैट। ठीक है, सो कुछ एक्शंस तो आपको लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं आज की मैनिफेस्टेशन स्टोरी के बारे में। ये जो स्टोरी है ये रिलेटेड है हमारे लॉर्ड हनुमान से, जो रिचुअल की आज इस वीडियो में बात हो रही है। अगर आप इस रिचुअल को करते हैं, ऐसी कोई भी विश नहीं है जो आप मैनिफेस्ट नहीं कर सकते हैं। ब्रूटल से ब्रूटल सिचुएशंस हो आप उनको ठीक कर सकते हैं, एंड बिलीव मी ये मेथड काम करता है। इसने मेरे लिए भी काम किया है, इसने बहुत लोगों के लिए काम किया है। इस टॉपिक पे मैंने बहुत टाइम पहले वीडियो बनाया था, एंड बिलीव मी मुझे बहुत सी मैनिफेस्टेशन स्टोरीज आ रही हैं तब से इस रिचुअल पे। ये डेफिनेटली काम करता है, एंड कुछ कुछ रिजल्ट्स इतने अनएक्सपेक्टेड एंड मैजिकल होते हैं कि आप खुद भी शॉक्ड हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बात ज़्यादा नहीं करते हैं, मैं ये स्टोरी को रीड करती हूँ एंड उसके बाद हम इसे डिस्कस करेंगे। एंड अगर आपकी मैनिफेस्टेशन स्टोरी है तो आप मुझे यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाय दी, आज बहुत बड़ी वाली स्टोरी शेयर करनी है आपसे। आई एम सो एक्साइटेड टू शेयर दिस दी। आई डिड दैट हनुमान जी वाला 7 डे रिचुअल फॉर माय ब्रदर, एंड यू नो व्हाट, उनको 28 लाख का पैकेज लगा है US में, एंड ही इज लीविंग नेक्स्ट मंथ फॉर द वर्क। आई एम परस्यूइंग ग्रेजुएशन एंड मेरा भाई 1.5 ईयर से किसी बड़ी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहा था। मेरे पापा नहीं है तो वो ही करता है सब, एंड मम्मी के हेल्थ के इश्यूज़ भी रहते हैं। मैंने काफ़ी कुछ फॉलो करके मैनिफेस्ट किया है, बट ये सबसे बड़ी मैनिफेस्टेशन है मेरी लाइफ की। ऑल्सो मैंने दी भाई को एफर्मेशन नॉट भी पहनाया था, एंड हनुमान जी से बोला कि कोई सूटेबल जो भाई ढूंढ रहा है वैसी जॉब लग जाए, एंड देखो दी हो गया। आई एम सो हैप्पी। रिचुअल को 6th डे ही हुए थे, एंड दी भाई ने अप्लाई बहुत पहले किया था, एंड 6th डे पे कॉल आया। सच में आपने मुझे और मेरी फैमिली को पूजा पाठ के पाथ दिखा के लाइफ बदल दी है दी। थैंक यू सो मच। प्लीज शेयर आवर नेम्स। आई एम दीक्षा एंड माई ब्रदर्स नेम इज दक्ष। प्लीज़ शेयर माई स्टोरी। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन दक्ष आपकी जॉब के लिए, एंड थैंक यू सो मच दीक्षा इसको शेयर करने के लिए। एंड अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन दीक्षा आपको भी कि आपके भाई का इतना अच्छा जॉब लगा है, आपकी मैनिफेस्टेशन हुई है। एंड एक और अमेजिंग चीज़, थैंक यू सो मच इसको यहाँ पे शेयर करने के लिए, जिससे मुझे इस टॉपिक पे फिर से बात करने का मौका मिला है। ये रिचुअल ऐसा रिचुअल है जो लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है, एंड ऐसे बहुत से लोग हैं जो डेली हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, एंड बिलीव मी हनुमान चालीसा ने बहुत लोगों की लाइफ चेंज की है।
ठीक है. एंड हनुमान जी काफ़ी लोग उनको लिविंग एंजल भी बोलते हैं कि आप उनको जैसे ही बुलाते हैं वो तुरंत आपकी हेल्प के लिए आ जाते हैं. आपको कोई मंत्र की भी इनफैक्ट रिक्वायरमेंट नहीं होती है. ही इज़ अ लिविंग एंजल. काफ़ी लोग उनको इस नाम से भी बुलाते हैं. हनुमान जी जो है वो किसी भी सिचुएशन को चुटकियों में मोल्ड कर सकते हैं. कोई भी प्रॉब्लम को इंस्टेंटली सॉल्व कर सकते हैं. एंड मैंने हनुमान जी के काफ़ी ऐसे वन वर्ड मंत्रास बताए हुए हैं, स्विच वर्ड बताए हुए हैं जो इंस्टेंटली भी काम करते हैं. अगर आपको इंस्टेंटली हेल्प चाहिए, जो तुरंत आपका काम हो जाए, तुरंत आपकी हेल्प हो जाए या फिर तुरंत आपकी जो विश है वो पूरी हो जाए, एक मंत्र है बजरंग मैजिक बिगिनो. बेसिकली इट्स अ स्विच वर्ड, राइट. एंड सेकेंड वन इज़ फ्रॉम. फ्रॉम इज हनुमान जी का बीज मंत्र. ये जो चीज़ें मैं बता रही हूँ ये बहुत मैजिकल हैं. अगर आपको लगता है आपको इंस्टेंटली हेल्प चाहिए, आपको कहीं ना कहीं से कुछ भी मतलब सॉल्यूशन मिल जाए, आप डेस्परेट सिचुएशन में हैं, आप बस बिना काउंट करे बस ट्रस्ट के साथ, डिवोशन के साथ इनको चैंट करना स्टार्ट कर दें एंड फिर मैजिक देखें. आप खुद इनके मैजिक को एक्सपीरियंस करेंगे, ठीक है. तो चलिए बात कर लेते हैं आप इस रिचुअल को बेसिकली कैसे कर सकते हैं. एंड एक और चीज़, अगर आप फीमेल हैं एंड आपको लगता है कि आपके पीरियड्स आ सकते हैं इस रिचुअल के टाइम में, तो आप ऐसा टाइम चुनें जिस टाइम पर आपके पीरियड्स ना आए, ठीक है. आप ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, यू कॉन्ट परफॉर्म दिस रिचुअल इन पीरियड्स. आपने इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना होगा, ठीक है. तो चलिए बात कर लेते हैं इस रिचुअल करना कैसे है. सबसे सिंपल चीज़ है, सबसे पहली चीज़ है आपने इस रिचुअल को स्टार्ट करना है या तो ट्यूसडे से या फिर सैटरडे से, ठीक है. अब आपने इस रिचुअल को किस टाइम पे करना है, ये रिचुअल आपने सूर्योदय से पहले करना है, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में. अगर आप इंडिया में नहीं हैं, आप जो भी कंट्री में रहते हैं वहाँ पे आप गूगल पे चेकआउट कर सकते हैं कि आपकी लोकेशन पे ब्रह्म मुहूर्त किस टाइम पे पड़ रहा है. आपने उस टाइम पे इस रिचुअल को करना स्टार्ट करना है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ब्रह्म मुहूर्त में रखी हुई इंटेंशन, वो भी हनुमान चालीसा के साथ में, इट कैन डू मैजिकल थिंग्स इन योर लाइफ, बिलीव मी, ठीक है. अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, आपने अच्छे से शार लेना है. आई नो काफ़ी लोग बोलने वाले हैं कि वाई शार की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये नहीं है, डेफिनेटली है. ये रिचुअल कुछ ऐसा है जिसमें आपको हाइजीन का ख्याल रखना होगा, साफ़ सुथरा आपने होना पड़ेगा. एंड 7 days का ये रिचुअल है बेसिकली, तो 7 days में आप इतना एफर्ट्स तो लगा सकते हैं यूनिवर्स के लिए, राइट. अगर आप चाहते हैं कि हनुमान जी आपके लिए कुछ एफर्ट लगाएं, आप भी अपने एंड से थोड़ी सी मेहनत करें, चीज़ें डेफिनेटली होंगी. सुबह उठ के शार लेके प्रॉपर अपना मन साफ करके ब्लैंक माइंड के साथ में आपने शांति से एक शांत जगह पे बैठ जाना है, या मंदिर के सामने बैठ जाना है अपने, या फिर जो भी आपका ऑल्टर है वहाँ आपने बैठ जाना है. अब आपने लेनी है हनुमान जी की मूर्ति या फिर उनकी पिक्चर. आई विल नॉट रिकमेंड कि आप फ़ोन में इस पिक्चर को देख के करें, ट्राई करें फ़ोन्स को साइड में रखने का, ठीक है. आप प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं, बट जब बिल्कुल ही आपके पास कोई ऑप्शन ना हो तो एट द एंड आप फ़ोन में उनकी पिक्चर ओपन करके सामने रख सकते हैं. इसको आपने अपने सामने रखना है एंड अपनी आंखें बंद करनी है, मेडिटेटिव स्टेट में जाना है एंड 3 times आपने बजरंग मैजिक बिगिन नाउ का चैंट करना है. बजरंग मैजिक बिगिन नाउ, बजरंग मैजिक बिगिन नाउ, बजरंग मैजिक बिगिन नाउ. आप चाहें तो 3 times भी इसे चैंट कर सकते हैं एंड इंटेंशन रखें हनुमान जी की, उनको ऐसा करते हुए विजुलाइज करें. उसके बाद आपने चैंटिंग के बाद क्या करना है, आपने देखना है हनुमान जी जो है वो आपके रूम में है एंड आपके पास आ चुके हैं, ठीक है. अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपने अपनी विश उनको बोलनी है. आप या तो सिंपली विजुलाइज कर सकते हैं जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं. विजुलाइज क्या करना है, आपने अपना आउटकम विजुलाइज करना है. आपके अच्छे मार्क्स आ चुके हैं तो आप फाइनल रिजल्ट, फाइनल डे आपने विजुलाइज करना है. आपकी मैरिज हो चुकी है तो आपने विजुलाइज करना है उस पार्टनर के साथ अपने आप को, यानी कि हमने फाइनल आउटकम को विजुलाइज करना है इस सिचुएशन में, ठीक है. आपने इस चीज़ को विजुलाइज करना है. अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपने हनुमान जी को एक ऑफरिंग बोल देनी है. उनको आपने ये बोलना है कि मैं ये 7 days का रिचुअल करने जा रहा हूँ एंड जब भी मेरी विश पूरी हो जाएगी मैं आपको 21 rupees का, 51 rupees का, 101 या जो भी आपको इंट्यूटिवली ऑफरिंग का आता है मैं आपको ये ऑफरिंग दूंगा, ठीक है. इसमें प्रसाद हो सकता है या फिर कोई भी चीज़ आपको लगता है, या फिर हनुमान जी के कपड़े आप मंदिर में चढ़ाकर आएंगे, या फिर बहुत सी ऐसी ऑफरिंग होती हैं. देयर कैन बी सो मैनी थिंग्स, ठीक है. जो भी आपको इंट्यूटिवली आता है हनुमान जी के लिए आप उनको बोल दीजिए कि जब मेरी ये विश पूरी हो जाएगी या फिर जब ये मेरा काम हो जाएगा मैं ये ऑफरिंग आपको दूंगा, पहले ही बोल दें. अब इसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपके पास होनी
चाहिए हनुमान चालीसा। आप या तो प्रिंट आउट करवा सकते हैं, ठीक है, या फिर आप पॉकेट वाली जो हनुमान चालीसा होती हैं वो भी ले सकते हैं। आपने अब बैक टू बैक इन अ रो हनुमान चालीसा का पाठ करना है, ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड पूरे डिवोशन के साथ अच्छे से अपनी एनर्जी लगा के उसमें पूरा यू नो अपने आप को ऐसा फील करें, उसको चैंट करें, उसको दिल से पढ़ें। एंड एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ बिफोर डूइंग दिस रिचुअल, अगर आप हनुमान चालीसा को पहले नॉवल रीड करके, अगर आप नए हैं इस चीज़ में, आप अगर हनुमान चालीसा के मतलब को समझ के इस रिचुअल को करेंगे, इस रिचुअल को पढ़ेंगे, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। ऐसा नहीं आप नॉर्मली भी पढ़ सकते हैं, कोई नहीं, बट अगर आप किसी मंत्र किसी श्लोक का मतलब समझ के उसको जपते हैं या पढ़ते हैं तो उसके और अच्छे रिजल्ट आपको मिलते हैं। दिस इज़ द फैक्ट जो कि मैंने अपनी खुद की इस स्पिरिचुअल जर्नी में एक्सपीरियंस किया है, ठीक है। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। आपने बैक टू बैक 7 बार हनुमान चालीसा पढ़नी है, उसके बाद हनुमान जी को आपने थैंक यू बोलना है एंड इस रिचुअल को क्लोज कर देना है, दैट इज़ इट। अब नेक्स्ट डे होगा, नेक्स्ट डे अगेन आपने सब चीज़ें सेम फॉलो करनी है, नेक्स्ट डे होगा सेम आपने फॉलो करना है सब कुछ एंड 7 बार आपने इस हनुमान चालीसा को पढ़ना है, देन अगेन रिचुअल क्लोज हो जाएगा, डे 2 हो चुका है। ऐसे आपने 7 दिनों तक करना है, ठीक है। 7 डेज करने के बाद इसको आपने लेट गो कर देना है, ठीक। ऐसा आपने इस रिचुअल को फॉलो करना है एंड कोई भी आपकी स्टबन से स्टबन विश है वो पूरी हो जाएगी। कोई कोर्ट केस का इशू हो सकता है या फिर कोई जॉब का इशू हो सकता है, या जॉब में प्रॉब्लम आ रही है, काफ़ी कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हैं, ऑब्स्टिकल्स आए जा रहे हैं, मनी ब्लॉकेजेस हैं, बिजनेस के इशूज हैं, आप एक बार इस रिचुअल को करके देखो, आपको बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। एंड एडिशनली आप हर मंगलवार को हनुमान जी को कुछ यू नो ऑफरिंग देके आ सकते हैं मंदिर में, इट्स जस्ट अ नॉर्मल थिंग, जस्ट यू नो हम उनसे कनेक्शन बिल्ड करके रखते हैं। तो हाँ, हनुमान जी इज़ वेरी पावरफुल एंड उनके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगर आप ट्रस्ट के साथ, सरेंडर के साथ, दिल से उस चीज़ को करेंगे, चीज़ें डेफिनेटली होंगी। बट डेस्परेट आपने नहीं होना है, बार 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 चीज़ों को पोक नहीं करना है। एंड जब आप इस रिचुअल को करेंगे, एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है, प्लीज़ डू नॉट कंज्यूम एल्कोहल। अब बाद में अगर आपको जो भी लाइफ स्टाइल है वो मैटर नहीं करता है, बट 7 डेज का रिचुअल अगर आप फॉलो कर रहे हैं, एल्कोहल एंड मांस मीट मच्छी कुछ नहीं चलेगा। 7 डेज तक का परहेज, उसके बाद जो आप लाइफ में आप करते हैं इट्स अप टू यू, ठीक है। अगर आपको बीच में पीरियड्स आ गए हैं, 1% काफ़ी फीमेल्स हैं जिनके पीरियड्स डेट टू डेट नहीं आते हैं, वो परेशान रहती हैं, अगर आपके बीच में रिचुअल के बीच में पीरियड्स आ जाते हैं तो आप इस रिचुअल को हनुमान जी को थैंक यू एंड अपोलोजाइज करके सॉरी बोल के इसे क्लोज कर सकते हैं एंड अगले वीक से पीरियड्स के बाद आप इसे फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके से इस रिचुअल को फॉलो कर सकते हैं। एंड सेकेंड रिचुअल है एफर्मेशन नॉट मैजिक। एफर्मेशन नॉट मैजिक एक ऐसा मैजिक है जो आप यू नो आप इस एफर्मेशन नॉट मैजिक से कोई भी विश को मैनिफेस्ट कर सकते हो। इसमें क्या होता है, आपने एक धागा लेना है, मैंने प्रॉपर इसकी वीडियो बनाई है तो प्लीज़ डू चेक दैट आउट, एफर्मेशन मैजिक डेफिनेटली डू वर्क। एक धागा लेना होता है, उस पर आपने 9 गांठियाँ 9 नॉट्स बांधनी होती हैं अपनी जो भी विश है उसको विजुलाइज करते हुए एंड जो भी आपके विश की एफर्मेशन है उसे बोलते हुए। उसके बाद नेक्स्ट डे आप इसको वेयर कर सकते हैं। इसका प्रॉपर एक रिचुअल है, अगर इस वीडियो में बताऊंगी बहुत बड़ा हो जाएगा, आप प्लीज़ इसकी एक वीडियो चेक करें, इसका प्रॉपर एक रिचुअल है। बट एफर्मेशन नॉट मैजिक, अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन बिलीवर हैं, आप डेफिनेटली एक बार इसको ट्राई करें, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो बूस्ट हो जाएगा, आप एक बार ट्राई करके देखें इसको, ठीक है। सो यार, थैंक यू सो मच वंस अगेन दीक्षा, इसको शेयर करने के लिए, अपना टाइम यहाँ पे देने के लिए, इस स्टोरी को लिखने के लिए, दिस रियली मीन्स अ लॉट टू मी एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट एंड आई एम सो हैप्पी मुझे फिर से इस रिचुअल के बारे में बात करने का मौका मिला है, बिकॉज ये रिचुअल मेरे लिए बहुत स्पेशल है, बिकॉज इन माई पर्सनल लाइफ एज वेल उस टाइम पे मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट विश पूरी हुई थी, ठीक है। सो एनीवेज, आज की इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इतना ही। मिलती हूँ आपसे अपने अगली वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपसे अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, लव यू एंड बाय। थैंक यू सो मच।